हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। कितना? 64,000 ऋषि मुनि। हम लोगों में भी कोई ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक लोग बयान करते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए हैं। हालांकि ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कमोबेश लगा दिया। यहाँ 64,000, यहाँ 1,24,000। इतना तो क्लियर है कि नबी इधर भी बहुत आए और इधर भी बहुत से नबियों का जिक्र है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जितने नबियों का नाम कुरान में आया है, 25 नबियों का टोटल, 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है, हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया है। और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्कि होगा, निराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका और उनकी एक पहचान जो बताई गई है वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदो दयते विवेका तथस्तु शंभल गिरा मे सो तो स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। श्रीमद भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत जब आम हो जाएगी, अज्ञान ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी, हेतु किरत सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी, तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, एक ही सूरज, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूरे देशवासी, बल्कि दुनियावासी का, जगतवासी का, विश्ववासी का एक ही सूरज है। ऐसे ही अंतिम महाऋषि, अंतिम संदेष्टा जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे, और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे, नाम भी बता दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदो दयते विवेका। उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात,
वो संभल ग्राम में, संभल मानी शांत और ग्राम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बला दिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे, संभल ग्राम मीन मक्का, वो मक्के में आएंगे, संभल ग्राम में आएंगे, इथ कलो गत पर आए, चार युग में तीन युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे, इत कलोगत प्राय, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग गुजर जाएगा, द्वापर युग गुजर जाएगा, जब घोर कल युग होगा तो वो कल युग के अंदर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे, इत कलोगत प्राय जनेशु, और उस कलयुग की पहचान ही होगी, जनेशु खरगर मिड़ी, सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी, इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी, इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे, भगवान इत कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्म त्राणाय, तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा उसको बाकी रखने के लिए, सत्वेन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए, भगवान उत्रिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा, नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, कब कहां आएंगे, संभल ग्राम मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे, और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, तीन युग गुजर जाने के बाद, सतयुग त्रेता युग कलयुग द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे, ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक, और मक्के में आएंगे, और क्या कहा, दा चतुर्भिरात्रवदेव कृष्यामि कलेचियम, इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे, सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो, सालम द्वीप का तर्जमा होता जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे, और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा, ऐन जवानी में शादी करेंगे, और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जजीरे की जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था, और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी, 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी, षष्टम शिशुवस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे, क्या रह गया, कुछ रह गया, उस औरत से मोहम्मद रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के, 4 लड़कियों के नाम है जैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी का नाम है फातिमा, और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम, और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों तैयब व ताहिर जिनका लकब है, मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्लाह, ये 2 बेटे तैयब व ताहिर जिनका लकब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां, और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से औरत से शादी करेंगे, और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे, उस औरत को जोड़ने के बाद परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की उस कलकी की उस स्त्री को जोड़ने के बाद वो टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी, लीजिए 12 बीवियों वाला, अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो, और हम अपने अकीदे के मुताबिक जो चाहे ज़ईफ और मौज़ू हदीस ही क्यों ना हो, 1,00,000, 1,25,000 अंबियाए किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है, हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1,000 बीवियों का जिक्र मिलता है, राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300-300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है, हम मेरे भाइयों रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक
पत्नी सीता का जिक्र मिलता है, कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीख देखी है, पढ़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं, वो कुर्ब कयामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे, ऊंटनी का दूध भी पिया करते थे, और ऊंटनी जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब यह कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते हैं। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी, और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद कहा गया अंधेरे को नाश कर देगा। आप देखिए कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, कितना अंधेरा था अरब की धरती पर, कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जुआ, अब आइए थोड़ा सा पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे कैश, तो अपना मकान लगा देते थे। मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाते लगा देते थे। ये अरब का हाल था। पढ़िए इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद, इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा। बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने घर से चादर उठाता था और अपनी मां के ऊपर डालकर उसको बाहर निकालकर कहता था, लोगों मेरा बाप मर गया, मैंने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी अपनी बीवी बना लिया। इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद। शराब तो इतना पीते थे कि मुस्नद अहमद की रिवायत, शराब के नशे में एक सहाबी ने बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको खींच कर कमरे की तरफ ले जाने लगे। बेटी चीखी, बेटी की माँ भागती हुई आई, अपने शोहर को धक्का दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर अपनी बेटी को बचाया, निकाल लिया। जब होश में आए तो बीवी को पीटने लगे। बीवी ने कहा, पीट चुके? हाँ। बंद क्यों किया? कहा, तुमने पी रखी थी, वो तो मैं रोज पीता हूं। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, नहीं आज ज्यादा ही पी रखी थी, कभी कम कभी ज्यादा ये तो होता ही रहता है। आज इतनी पी ली थी आपने कि आप बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके।